बिहार सरकार द्वारा 20 अगस्त 2024 से भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन भू स्वामियों के सामने कई समस्या आ रही है। यह समस्या क्या है और इसे कैसे निजात हम पा सकते हैं, इसके लिए हमने जिलाधिकारी औरंगाबाद श्रीकांत शास्त्री से अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास किया। आइए जानते हैं भू स्वामियों की समस्याएं और उनकी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के क्या है जवाब। जमीन सर्वे क्या है? देखिए जी, कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था अंग्रेजों के समय में, लगभग 2010 के आसपास, 15-20 साल चला था। उसके बाद डिवीजन सर्वे हुआ आज़ादी के बाद, वो भी 10 से 15 वर्ष उसमें भी लगे थे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि चूंकि पहले जो बड़ा बड़ा प्लॉट था वो छोटा छोटा प्लॉट में विभाजित हो गया, तो कई केसेस आने लगे भूमि विवाद के। तो सरकार ने निर्णय लिया कि अभी के स्टेज में, चूंकि जो पहले का जो भूखंड था कई खंडों में बंट गया, तो सरकार ने एक एरियल सर्वे करवाया और अभी की जो वस्तु स्थिति है उसका नक्शा बनवाया गया। तो जिस तरह सर्वे पहले किया गया था, तो एक अपडेटेड सर्वे करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है, उसका नाम दिया गया विशेष सर्वेक्षण। इसमें रायतों को क्या क्या करना है सर? देखिए, एक फॉर्म है, तो रायतों को फॉर्म में भर करके डिटेल्स दे देना जो भी उनकी भूमि है, साथ में उनको अगर उनके दादाजी परदादाजी के यहाँ से समय से आया होगा, तो फिर परदादाजी के दो भाई बेटे रहे होंगे, दादाजी रहे होंगे, तीन भाई रहेंगे, इस टाइप से जो सिलसिला चलता है ना, तो स्वघोषित वंशावली उनको देनी है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और साथ में एक पेपर दे देंगे जो सपोर्ट करेगा कि ये ज़मीन उनकी है, खतियान भी हो सकता है, मालगुजारी का रसीद भी हो सकता है। विदेश और बाहर रहने वालों को लिए क्या करना होगा? देखिए जी, ये ऑनलाइन सिस्टम है, वो जहाँ बैठे हैं वहीं से भेज दें, कोई समस्या नहीं, आने की जरूरत साइट पर नहीं है। सर्वे में खतियान जरूरी है क्या और यह देना अनिवार्य है? देखिए, एक सपोर्टिंग पेपर चाहिए, मैं आपको पहले बताया कि सपोर्टिंग पेपर मुझे चाहिए जिससे ये लगे कि ये जमीन उसी व्यक्ति की है, वो खतियान भी हो सकता है, मालगुजारी रसीद भी हो सकता है। सर्वे से संबंधित कोई समस्या अगर आ रही है तो कहाँ संपर्क करेंगे लोग? देखिए, हमारे प्रत्येक ब्लॉक में एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, कानूनगो हैं, क्लर्क्स हैं, प्लस उनके पास में एक लंबी टीम है अमीनों की। अमीन हमारा साइट पर जाता है, कानूनगो उसकी जांच करते हैं, हमारे जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं वो उसकी जांच करते हैं। ज़मीन पर धरातल पर जाकर के ही ये काम करना है, तो अगर वो अमीन से संतुष्ट नहीं होंगे तो ऊपर के पदाधिकारी के पास जाएंगे, लास्ट में इसके हेड हैं बंदोबस्त पदाधिकारी, उनके पास जाएंगे। और मैंने एक, मैं चूँकि इसको वीकली मैं भी रिव्यू करता हूँ, तो हमारे जो ब्लॉक के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको भी मैंने टास्क दिया है कि अगर किसी को दिक्कत होती है तो उनसे संपर्क करके वो उनका मामला को सोल्व करवाएंगे। खतिहानधारी के वंशज के ज़मीन का केवाला है, इस आधार पर क्या सर्वे उनका हो पाएगा? सर्वे सभी के ज़मीन का होना है, और चूँकि जब धरातल पर जाएंगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो जिनको कहीं पेपर की दिक्कत होगी तो फिजिकल वेरिफिकेशन में उसका समाधान किया जाएगा। और जिनका खाता खतियान नहीं है लेकिन खाता खेसरा पता है और ज़मीन पर उनका पोजीशन भी है, उनका सर्वे कैसे होगा? देखिए, मैंने बताया जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जिनके पास कुछ कागज़ की कमी होगी उसका समाधान उसी ढंग से किया जाएगा, लेकिन जिनकी ज़मीन है वो ज़मीन उनकी ही रहेगी, इसमें कहीं किसी को कोई समस्या होने वाली नहीं है। और खतियान निकालने में सब परेशानी काफ़ी हो रही है। मैं तो बताया खतियान निकालने की उनको जरूरत ही नहीं है, उनके पास तो मालगुजारी रसीद तो है ही है, सभी लोग अपना रसीद प्रत्येक साल कटवाते हैं, आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। पर्चाधारियों का सर क्या होगा, वही ज़्यादा परेशान? पर्चाधारी को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास जब पर्चाधारी जो है उसके पास पर्चा है, जो पर्चा है वो फॉर्म के साथ में अपना पर्चा लगा देंगे, वो उनका प्रूफ हो गया, कोई समस्या उनके पास भी नहीं है। अगर उनको उसमें दिक्कत होगी तो हम लोग सीओ के यहाँ से उस पर्चा को निकाल करके उनको संतुष्ट करके हुए उनको भी हम लोग उनका ज़मीन को भी हम लोग वो। और शहरों में सर, जो छोटे छोटे प्लॉट लेकर लोग छोड़ दिए हुए हैं, उनका ज़मीन का कैसे क्या होगा? देखिए, ये सभी के लिए एक ही नियम है जी, उनको भी अपने भूभाग के बारे में डिटेल्स देना होगा, फॉर्म भरना होगा, वो जहाँ हैं वहीं से फॉर्म भर दें, ऑनलाइन कर दें, कोई समस्या इसमें नहीं है। सरकार ने एक नियम बना दिया है कि
कि पंचायत सचिव हमारे प्रत्येक पंचायत में होते हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ उनके पास में अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद वो पंचायत सचिव हमारा कचहरी सचिव को दे देता है। कचहरी सचिव उसमें 7 दिन का समय दिया गया है कि वो उसको प्रकाशित कर देता है। प्रकाशित करने का मतलब कि प्रचार प्रसार कर देता है ताकि किसी को आपत्ति नहीं हो। और फिर 7वें दिन के बाद सरपंच साहब के सिग्नेचर से वंशावली तैयार कर दी जाती है और वो इशू किया जाता है। इसमें भी कोई समस्या नहीं। हम लोगों ने सबको ट्रेनिंग दी है और सभी भली भांति से इसके लिए परिचित हैं।